नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। देने ही होंगे छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ। हाईकोर्ट ने सीएस प्रबोध सक्सेना को जारी किया नोटिस। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों के बावजूद छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुख्य सचिव को नोटिस में 4 सप्ताह के अंदर अवमानना याचिका का जवाब देने अथवा अनुपालना शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि एचपी सचिवालय और इससे संबद्धता रखने वाले पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन ने प्रतिवादी अधिकारियों पर अदालती आदेशों की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को अपने फैसले में सरकार को आदेश दिए थे कि वह एसोसिएशन के सदस्यों को छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ 6% ब्याज सहित अदा करें। निजी भूमि पर बना है नेरचौक मेडिकल कॉलेज, मालिक ने मांगा 10 अरब रुपये मुआवजा। जे नेरचौक में स्थापित मेडिकल कॉलेज सहित अन्य संपत्ति पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद अब मेडिकल कॉलेज सहित अन्य संस्थानों के अस्तित्व पर खतरे का बादल मंडराने लगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूमि के मालिक ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इजरा याचिका दायर कर इस संपत्ति का 10 अरब से अधिक मुआवजा मांगा है। अब सर्टिफिकेट गुम करना पड़ेगा दोगुना महंगा, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 साल बाद बढ़ाया शुल्क जाने फीस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को अब अपने सर्टिफिकेट गुम करना काफ़ी महंगा पड़ेगा। इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों को अब 2 से 3 गुना तक फीस चुकानी पड़ेगी। वह शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाई गई रेटों की अधिसूचना जारी कर दी है जो 31 जुलाई के बाद लागू होगी। वह तत्काल में प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थियों को यह शुल्क 3 गुना चुकाना होगा। उन्हें प्रमाण पत्र 24 घंटे में उपलब्ध होगा। वह स्कूल शिक्षा बोर्ड सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यह दाम वर्ष 2009 में तय किए गए रेटों के आधार पर चल रहे थे, मैं जिनमें अब करीब 16 साल बाद बोर्ड प्रबंधन ने बदलाव किया है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुलिपि प्रमाण पत्र शुल्क में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के चलते पहली बार अनुलिपि प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए अब अभ्यर्थियों को पहले के मुकाबले 2 गुना शुल्क चुकाना होगा, जबकि तत्काल में इन सर्टिफिकेटों को हासिल करने की एवज में अभ्यर्थी को 3 गुना राशि का भुगतान बोर्ड को करना होगा। वहीं दूसरी ओर तत्काल अनुलिपि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को यह प्रमाण पत्र 24 घंटों के भीतर दस्ती या डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अगर किसी परीक्षार्थी को दस्ती तौर पर प्राप्त करना हो तो उसे अपना पहचान पत्र दिखाने पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्याशियों की देरी से घोषणा, अफसरशाही और सरकार में नियुक्तियां न मिलना हार के कारण। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का प्रत्याशी की देरी से घोषणा हावी रही है। मैं अफसरशाही और सरकार में नियुक्तियां नहीं मिलने को मुख्य कारण माना जा रहा है। मैं सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में रजनी पाटिल और PL पुनिया के समक्ष मंडी और हमीरपुर संसदीय सीट के नेताओं ने बेबाकी से हार के कारणों को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी हाईकमान की ओर से भेजे गए दोनों सदस्यों के साथ हार के कारणों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इनके अलावा पार्टी प्रत्याशियों, मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों और जिला अध्यक्षों ने भी अपना पक्ष रखा। वहीं मंगलवार को कंगड़ा और शिमला संसदीय सीट को लेकर बैठक हुई। इसके अलावा 2 सदस्यीय कमेटी नई दिल्ली जाकर हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कुंजुम टॉप में फंसे 44 पर्यटक रेस्क्यू, जिला पुलिस ने लिया अब ये निर्णय। जब कुंजुम टॉप के समीप फंसे पर्यटकों के लिए लाहौल स्पीति पुलिस एक बार फिर देवदूत बनकर आई है। मुश्किल में फंसे कुल 44 पर्यटकों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किए जाने वाले में कुल 44 लोग, जिसमें 23 पुरुष और 19 महिलाएं और एक ड्राइवर और एक गाइड शामिल थे। ये सभी पर्यटक उम्रदराज थे। रविवार रात करीब 2:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ पर्यटक और एक बस पिकअप कुंजुम टॉप के पास फंस गए। पुलिस ने उप निरीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इसे रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। सोशल मीडिया पर सीएम की छवि को खराब करने की साजिश, झूठी खबरों पर FIR दर्ज करने के निर्देश। जब मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाई जा रही झूठी खबरों पर कड़ा संज्ञान लिया है और ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की साजिश में बिना तथ्यों के दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने दुष्प्रचार में शामिल के विरुद्ध FIR दर्ज कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं, मैं जिससे मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाए जा रहे तथ्यहीन दुष्प्रचार को रोका जा सके।
श्रीखंड यात्रा में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली से पहुंच रहे श्रद्धालु दूसरे दिन इतने पंजीकरण। जे उत्तरी भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा के दूसरे दिन 512 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया, जबकि पहले दिन 2193 यात्रियों ने पंजीकरण किया था। श्रीखंड महादेव यात्रा में रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। मैं यात्रा में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं आधिकारिक तौर पर रविवार को उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रविश ने हरी झंडी दिखाकर श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना किया और यात्रा का शुभ आरंभ किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर यात्रा को सफल बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी यात्री बिना पंजीकरण और मेडिकल चेकअप के यात्रा पर न जाए। यह यात्रा 27 जुलाई तक चलेगी। वे प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए रास्ते बनाए गए हैं और पानी की सुचारू व्यवस्था मुहैया करवाई गई है। वहीं पुलिस, रेस्क्यू टीम, SDRF, मेडिकल और राजस्व की टीम में हर बेस कैंप पर तैनात की गई है। वह भीमाकाली सराहन मंदिर से निकली छड़ी यात्रा सोमवार को सिंहगाड़ तक पहुंची। वह मंगलवार को यहां से छड़ी यात्रा रवाना होगी। सीएम सुक्कू दिल्ली रवाना, पीएम से मिलेंगे, बिजली रॉयल्टी और BBMB में मांगेंगे हिस्सेदारी। जब मुख्यमंत्री सुखदेव सुक्कू सोमवार दोपहर बाद राजधानी शिमला से नई दिल्ली गए, वे मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम बिजली रॉयल्टी, BBMB में हिस्सेदारी और नई पेंशन योजना के अंशदान का मुद्दा पीएम से उठाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री बिक्रमादित्य सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ गए हैं। दोनों नेता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर प्रदेश में बीते वर्ष आई आपदा से प्रभावित सड़कों को लेकर धनराशि जारी न होने का मामला उठाएंगे। मैं सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्कू ने कहा कि प्रदेश की बिजली परियोजनाओं में रॉयल्टी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पास लंबित पड़े हिमाचल के करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला भी उठाया जाएगा। मैं केंद्र से हिमाचल के लिए प्रस्तावित आपदा राशि को लेकर भी बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की ग्रांट हिमाचल को नहीं मिल पाई है, इसे लेकर भी मंत्री से बात की जाएगी। शिमला के कालीबाड़ी में निकली भगवान जगन्नाथ की उल्टी रथ यात्रा। जी, राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में सोमवार को भगवान जगन्नाथ की उल्टी रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की हुई पूजा की गई। मैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होकर भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ यात्रा पर निकले थे। मैं सोमवार सुबह 10:30 बजे भगवान जगन्नाथ की बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान मंदिर में मौजूद सभी भक्तों ने रथ की रस्सी खींचकर आशीर्वाद लिया और भगवान के दर्शन किए। इसके बाद भगवान को फल, मिठाई, जलेबी और पापड़ का भोग लगाया गया। सीएम सुक्कू बोले, राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित होंगे उत्कृष्ट शिक्षक, शुरू होगी नई योजना। जी, राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार के लिए 16 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। वह 30 जुलाई तक जिला उपनिदेशकों के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। वह सामान्य श्रेणी और जनजाति और दुर्गम क्षेत्रों के 24 अध्यापकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। वह नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 6 विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगी। वह बेहतर परीक्षा देने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों का चयन करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि शिक्षकों की ओर से प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य प्रदेश सरकार अध्यापकों एवं हेड ऑफ स्कूल के लिए नवीन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार शुरू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में विषय आधार के बजाय शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के परिणामों, रचनात्मकता और नवोन्मेषी योगदान को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। न अपने शहर में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 30 रेहड़ी धारकों और दुकानदारों का सामान किया जब्त। जिला हमीरपुर के बाजार में सोमवार को नगर परिषद हमीरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगा। मैं भोटा चौक के अस्पताल चौक और गांधी चौक तक नगर परिषद ने अतिक्रमण कार्यों पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की। मैं दोपहर 2 बजे के बाद नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर की अगुवाई में टीम ने बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफेद पट्टिका से बाहर रखे गए सामान को जब्त किया गया और निकासी नालियों पर सामान सजाए हुए अवैध रेहड़ी धारकों का सामान जब्त किया गया।
सीउंड बांध के गेट खुलते ही अब लार्जी तक बजेंगे हूटर, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 3 के सीउंड बांध के गेट खुलते ही अब लार्जी तक हूटर बजेगा। वह परियोजना प्रबंधन ने अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम लगाने की तैयारी कर ली है। यह सिस्टम 1,16,00,000 रुपये की लागत से लगेगा। बीते साल जुलाई में पीन पार्वती नदी में आई बाढ़ के 1 साल बाद परियोजना प्रबंधन ने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की कवायद शुरू की है। यह प्रोजेक्ट पीन पार्वती नदी पर ही बना है। हिमाचल में सेब को ओलों से बचाएगी स्वदेशी डॉपलर रडार एंटी हेलगेन। हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की सेब आर्थिकी को ओलों से बचाने के लिए IIT मुंबई की ओर से विकसित स्वदेशी एंटी हेलगेन को डॉपलर रडार से जोड़ा जाएगा। रडार की मदद से ओलों वाले बादलों की सटीक जानकारी मिलेगी और हेलगेन का प्रभाव पड़ेगा। वह शिमला जिले के मंडोल में स्थापित स्वदेशी एंटी हेलगेन के 3 साल का ट्रायल पूरा करने के बाद IIT मुंबई के इंजीनियरों ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया है। वह DRDO की पुणे लैब के वैज्ञानिकों इसमें तकनीकी सहयोग देंगे। बिलासपुर के 10 छात्रों का ग्रुप इसरो के शैक्षणिक दौरे के लिए रवाना। शिक्षा मंत्री धर्मानी ने दिखाई हरी झंडी। जी ग्राम नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने घुमारवी के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस से बिलासपुर जिला के अलग अलग 10 सरकारी स्कूलों के विज्ञान विषय के मेधावी छात्रों को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद के 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक और NTPC के अधिकारी उपस्थित रहे। राजेश धर्मानी ने कहा कि जनवरी माह में जिला प्रशासन द्वारा घुमारवी के बॉयज स्कूल में स्पेस लैब का उद्घाटन किया गया था, जिसमें इसरो द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के मॉडल स्थापित किए गए थे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन के प्रयास के बाद अब जिला के 10 मेधावी छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के लिए इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और गुजरात साइंस सिटी ले जाया जा रहा है। कोमा मरीजों की हलचल पर रखी जा सकेगी नज़र। IIT गुवाहाटी ने बनाया जेल आधारित मोशन सेंसर। जब कोमा के मरीजों की निगरानी में अब तक तीमारदारों व चिकित्सकों को परेशानी नहीं होगी। वह कम लागत वाला मोशन सेंसर अब ऐसे मरीजों के शरीर की छोटी से छोटी हलचल पर पैन नज़र रखेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधार्थियों ने कम लागत वाला जेल आधारित पहनने योग्य उपकरण तैयार किया है। जो मोशन सिग्नल रिकॉर्ड करने में सक्षम है। मैं ऑर्गनो हाइड्रोजेल सेंसर कोमा जैसे स्थिति वाले मरीजों के शरीर पर लगाया जाता है। श्रम विभाग ने बढ़ाई दुर्घटना बीमा क्लेम की तारीख। कहीं हाथ से नौ निकल जाए मौका मिलेंगे 2,00,000 रुपये। जो श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि तक पंजीकरण श्रमिक मृत्यु घटना में शारीरिक रूप से होने वाले विकलांग को भारत सरकार दुर्घटना बीमा के तहत 2,00,000 रुपये की राशि प्रदान करने जा रही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में घटना दुर्घटना के शिकार या मृत व्यक्ति के सौजन्य विभाग के पास क्लेम नहीं कर रहे हैं। श्रम विभाग ने अब ऐसे पात्र परिवारों के सदस्यों को 31 अगस्त तक क्लेम करने का समय दिया है। इस अवधि के खत्म होने से पहले अगर किसी ने श्रम विभाग के पास आवेदन नहीं किया है तो वह परिवार या घटना से विकलांग होने वाला व्यक्ति बीमा योजना के क्लेम से वंचित रह जाएगा। हवालात की ग्रिल तोड़कर अंतर्राज्यीय नशा तस्कर फरार। कोताही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर गिर सकती है गाज। जी राजधानी शिमला के पुलिस थाना ढली से अंतर्राज्यीय नशा तस्कर ग्रिल तोड़कर फरार हो गए। वे मामला रविवार मध्य रात्रि का है, जिसके बाद पुलिस थाना से लेकर जिला पुलिस शिमला के कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। वह जानकारी के अनुसार जहाँ शिमला पुलिस का ड्रग पेडलरों पर चाबुक चला हुआ है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर के पुलिस थाना के हवालात की ग्रिल तोड़कर भाग जाने के मामले से जहाँ पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है, शिमला पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो गए। मैठली पुलिस थाना में चिट्ठा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दिल्ली का यह सप्लायर रविवार मध्यरात्रि ग्रिल तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उसे खोज निकालने के लिए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन तस्कर का देर शाम तक कहीं कोई सुराग न मिल सका है। ऊना में बनेगा अत्याधुनिक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र। DC ने दिए शीघ्र भूमि तलाशने के निर्देश। जब ऊना में जल्द ही एक अत्याधुनिक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वह उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए जिला मुख्यालय के आसपास शीघ्र उपयुक्त भूमि तलाशने के निर्देश दिए हैं। इस अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर उनके खान पान एवं खेलकूद संबंधित सभी अत्यंत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने सोमवार को ग्राम पंचायत जलग्राम टब्बा तथा लाल सिंघी के अपने दौरे में संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।
हिमाचल में इतने करोड़ से बनेंगे 96 ई चार्जिंग स्टेशन, नबार्ड से ऋण राशि स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश में 96 ई बस चार्जिंग स्टेशनों के लिए नबार्ड ने 110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं नबार्ड ने 53 प्रोजेक्टों के तहत ई बस चार्जिंग स्टेशनों के लिए ऋण की यह राशि मंजूर की है। वहीं इसके लिए HRTC की तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, वहीं जिसके बाद योजना विभाग ने नबार्ड से इसकी फंडिंग का मामला उठाया। वहीं नबार्ड ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रदेश में ई चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 110 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ऋण मंजूर किया है। अब शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों की नहीं होगी ट्रांसफर, इस तारीख के बाद से लगेगी रोक। शिक्षा विभाग में 29 जुलाई के बाद शिक्षकों की ट्रांसफर पर रोक लगेगी। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। इसे देखते हुए मानसून ब्रेक समाप्त तो होने के तुरंत बाद 29 जुलाई से शिक्षकों के तबादले पर रोक लग जाएगी, जिस पर सख्ती से अमल होगा। ऐसे में अब JBT, TGT, PGT, DPE व अन्य शिक्षक शैक्षणिक सत्र के बीच में ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे। विभाग की माने तो शैक्षणिक सत्र के बीच में ट्रांसफर होने से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। मैं गौर हो कि समर वेकेशन स्कूलों में 28 जुलाई को मानसून ब्रेक समाप्त हो रही है। इस ब्रेक के बीच शिक्षक अपने ट्रांसफर करवा सकेंगे, लेकिन मानसून ब्रेक समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग में उक्त प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी। मैं इस दौरान शिक्षा विभाग को भी ट्रांसफर की फाइलें 29 जुलाई के बाद न भेजने को कहा है। मैं शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों की ट्रांसफर नहीं होगी। मैं 29 जुलाई के बाद से शिक्षकों की ट्रांसफर पर रोक लगा दी जाएगी। सुरभि योजना में होगा पहाड़ी गाय का संरक्षण। जय हिमाचली पहाड़ी गोवंश सोसाइटी ग्रामीण इलाके में गोवंश की बढ़ोतरी पर काम करेगी। इसके मद्देनजर अलग अलग गांव में 5 गाय और 1 नंदी दिया जाएगा। इसके लिए सोसाइटी सुरभि योजना के तहत काम करेगी। मैं सोसाइटी के अध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि सुरभि ग्राम योजना के अंतर्गत यह शुरुआत कुछ चिन्हित गाँव में की जाएगी। इससे हिमाचल की विलुप्त होती इस पहाड़ी गाय को दोबारा स्थापित करने में मदद मिलेगी। मैं सोसाइटी का कहना है कि वे गोवंश अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल में नशा तस्करी में शामिल 3 पीढ़ियां, बाप बेटा पोता एक साथ गिरफ्तार। जो आपने पीढ़ियों से चले आ रहे कई पुश्तैनी कारोबार को पिता और फिर बेटे के साथ पोते को आगे बढ़ाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि नशा तस्करी भी एक परिवार के लिए किसी कारोबार से कम नहीं है। मैं जिला सिरमौर के नाहन में पुलिस ने एक ऐसे ही तस्कर परिवार का भंडाफोड़ किया है। नशा तस्करी के आरोप में बाप बेटे और पोते को गिरफ्तार किया गया। मैं लंबे वक्त से यह पुलिस के रडार पर थे। मैं आखिरकार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। मैं पुलिस मामले में आरोपी अन्य संपर्क खंगालेगी और यह भी पता लगाएगी कि यह कैब आखिरी कहां से लाई जाती थी। मैं साथ ही पुलिस यह भी पता लगाया जाएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में कैब कहां तक पहुंचाया जा रहा था। मैं आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से रिमांड मिलने के बाद में पूछताछ की जाएगी। हिमाचली शिक्षकों के लिए सरकार की नई योजना, उत्कृष्ट शिक्षकों को यूं मिलेगा सम्मान। जिस सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षकों के हितों में नया फैसला लिया है। वह सीएम ने कहा कि शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार अध्यापकों एवं हेड ऑफ स्कूल के लिए नवीन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत 2 विभिन्न श्रेणियों के तहत सामान्य श्रेणी और जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्रों के 24 अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। फर्जी पुलिस ऑफिसर बन सेंट्रल फोर्स से सेवानिवृत्त जवान से ठगे 54 लाख, छात्रों ने किया ब्लैकमेल। जब फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर जिला कांगड़ा के एक व्यक्ति से छात्रों ने 54 लाख रुपए ठग लिए। वे फोन से पूर्ण सामग्री भेजने के नाम पर व्यक्ति को छात्रों ने ब्लैकमेल किया है। वह छात्रों ने पीड़ित से 2 ट्रांजेक्शन से 54 लाख रुपये ठगे हैं, जबकि तीसरी किस्त डालने बैंक पहुंचे व्यक्ति के 34 लाख रुपये बैंक कर्मचारियों की सूझबूझ से बच गए। वह जानकारी के अनुसार पुलिस से साइबर थाना धर्मशाला में जिला कांगड़ा निवासी एक व्यक्ति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ उसके साथ ठगी करने का मामला दर्ज करवाया है। वह सेंट्रल फोर्स से सेवानिवृत्त व्यक्ति ने अपने शिकायत में कहा है कि उसे 12 जुलाई को एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को पुलिस ऑफिसर बताया। इस दौरान फर्जी ऑफिसर ने कहा कि उनके मोबाइल फोन से पूर्ण सामग्री का आदान प्रदान किया जा रहा है। इसके चलते उनके खिलाफ कई शिकायतें पुलिस थाना में पहुंची है। 2 लोग पालमपुर से गिरफ्तार, ITBP ने लेह में पकड़ा था 108 किलो सोना। जब लेह में भारत चीन सीमा के पास गत दिनों 3 लोगों से पकड़े गए 108 किलो सोने के मामले में राजस्व सतर्कता निदेशालय की DRI की टीम ने कांगड़ा जिला के पालमपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वह 3 दिन पहले गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी तिब्बत मूल के हैं। वह आरोपियों की पहचान तेंजिन निवासी लेह और तेंदु निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। ये दोनों पालमपुर के एक होटल में ठहरे हुए थे। सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपी तस्करी कर लाए जाने वाले सोने को कांगड़ा
कांगड़ा के कारोबारियों को बेचने को लेकर डील कर रहे थे। ये दोनों इसी साल कांगड़ा के एक होटल में भी ठहर चुके हैं। DRI की टीम को जैसे ही इनकी पालमपुर में ठहरने की सूचना मिली तो टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ दिल्ली ले गई। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।